ईडी ने इस चंदन रेड्डी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए। ईडी जो देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत की जाती है, वो किस तरह से जांच करती है, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करती है, किस तरह से उनके परिवारों को प्रताड़ित करती है, और तो जिसके कारण आज मैं पीसी कर रहा हूँ, एक व्यक्ति को कहा गया तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे, बेटी को धमकी। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय जो कि एक जांच एजेंसी है उसके टॉर्चर की जो दास्तानें सामने रखी है ना वो सिहरन पैदा करने वाली है। वो बता रहे हैं कि चंदन रेड्डी नाम के एक शख्स पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि तुम किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम लो। उसे इस कदर टॉर्चर किया गया कि उसके कान के पर्दे फाड़ दिए गए। ये दावा कर रहे हैं संजय सिंह और बाकायदा प्रमाण के साथ, सबूत के साथ उन्होंने ये दावा पेश किया है। चंदन रेड्डी और उनके अलावा कई अन्य लोगों ने अदालत में गुहार लगाई है कि किस तरह से ईडी उन्हें टॉर्चर कर रही है और चंदन रेड्डी को जिस तरह से टॉर्चर किया गया ये रहे उसके प्रमाण, किस तरह से उनके कान के दोनों पर्दे फट चुके हैं, परिवार के सदस्यों तक को धमकाया जाता है कि तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी। ईडी के लोग, बताया जा रहा है कि कथित तौर पर यह बात उन लोगों को कह रही है जिनका वो इंटेरोगेशन कर रही है और उन पर यह दबाव डाल रही है कि वो राजनीतिक व्यक्तियों का नाम लें। मैं चाहूंगा कि संजय सिंह ने जो दावे किए हैं वो एक एक करके मैं आपको सुनाऊं। सबसे पहले चंदन रेड्डी की दास्तान सुनाने के बाद वो ये भी बतलाते हैं कि जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो कुछ बाहरी लोग भी वहां पहुंच गए जो ईडी के अधिकारी नहीं थे, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी नहीं थे। वो कौन लोग थे और किसने उन्हें अधिकार दिया है ईडी की जांच में प्रवेश करने के लिए, ये क्या हो रहा है, सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। हम पर दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं किसके इशारे पर ईडी काम कर रही है, किसके दबाव पर ईडी काम कर रही है, किसके डायरेक्शन पर ईडी काम कर रही है, क्योंकि एक बहुत चौंकाने वाली बात इनके हाई कोर्ट के पिटीशन में लिखी हुई है चंदन रेड्डी के। क्या कह रहे हैं ये, कह रहे साहब ईडी के अधिकारियों ने तो मारा पीटा, कान के पर्दे फट गए, वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमको मारा पीटा, जिनको जो ईडी के ऑफिशियल्स भी नहीं थे, ऐसे लोग थे जो ईडी के अधिकारी नहीं थे, उन्होंने भी हमारे साथ मारपीट की। कौन से लोग हैं, किस पार्टी के गुंडे ईडी के दफ्तर में जाके लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो ईडी के दफ्तर में जाते हैं, पूछताछ करते हैं, मारपीट करते हैं और जबरन बयान लिखवाते हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट के सामने ये याचिका पड़ी है। दोस्तों संजय सिंह ने चंदन रेड्डी का तो जिक्र किया ही है, उसके अलावा कई अन्य अधिकारी हैं जिन्हें टॉर्चर किया जा रहा है बकौल संजय सिंह, और उनके नाम कुछ इस तरह से हैं जिसका जिक्र संजय सिंह ने अपने ट्विटर पे किया है। चंदन रेड्डी का तो वो जिक्र कर ही चुके हैं, इसके अलावा वो कह रहे हैं अरुण पिल्लई के परिवार को तबाह करने की धमकी देकर ईडी ने लिया बयान, न्यायालय में अरुण पिल्लई ने किया था सच उजागर। यानी कि अरुण पिल्लई न्यायालय जाते हैं, अदालत जाते हैं और अपने टॉर्चर की जो है दास्तान बयां करते हैं। आगे भूषण बेलगावी से ईडी ने लिया जबरन झूठा बयान, न्यायालय में बेलगावी ने की शिकायत, बेलगावी भी न्यायालय गए, अदालत गए और बताया कि ईडी उन्हें किस तरह से टॉर्चर कर रही है। आगे दोस्तों समीर महेंद्रू के परिवार को धमकाकर ईडी ने लिया झूठा बयान, समीर ने भी इस बात की शिकायत अदालत में की है। मानसविनी प्रभु ने न्यायालय को बताया ईडी ने लिया झूठा बयान। बार बार संजय सिंह ये कह रहे हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि ईडी का टॉर्चर चेंबर है। और बात यहां तक नहीं रुकती दोस्तों, संजय ये भी बताते हैं कि किस तरह से मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी को बुलाया जाता है, रोज बुलाया जाता है, 10-10 15 घंटे बिठा कर रखा जाता है, कुछ पूछा नहीं जाता है, सिर्फ बिठा कर रखा जाता है। ये मानसिक यातना नहीं तो क्या है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी के पीएस रिंकू, आप जानते कानून में नियम है किसी को भी बुलाओ
नोटिस दो, पूछताछ करो, कैमरे में पूछताछ करो और सारी जानकारी ऑन पेपर रखो। ईडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है, फोन करता है बुलाता, आ जा बैठ इतने घंटे, जा घर जा, फिर आ जा बैठ सुबह से शाम तक, फिर घर जा। आप गुंडागर्दी करके, धमका के, डरा के, कान के पर्दे फाड़ के, तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो, इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है, कागज पे दस्तखत करना तो बहुत दूर की बात है। लड़ना है तो सामने सामने लड़ो, कायरों की तरह बेटी का, पत्नी का, परिवार का सहारा लेके मत लड़ो, सामने सामने लड़ो, जो भी लड़ाई करनी है सामने सामने करो। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि ईडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों पर निशाना साध रही है। आपको याद होगा किस तरह से लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तीन तीन, चार चार, पांच पांच दिन बुलाया, उनसे पूछताछ की गई, 50-50 घंटे पूछताछ की गई। और न सिर्फ पूछताछ की जाती है दोस्तों, जो बात आपसे पूछी जाती है वो आपसे लिखवाई भी जाती है, यानी कि जितनी देर आपसे पूछताछ होती है उससे ज़्यादा समय आपसे लिखवाया जाता है। आप ये नहीं कि वो लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं किसी टेप रिकॉर्डर या किसी रिकॉर्डिंग यंत्र में, नहीं, आपसे लिखवाया जाता है दोस्तों, और ये उनकी प्रक्रिया होती है। मगर सबसे बड़ी बात, ईडी के निशाने पर कौन है? ईडी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता हैं, और अगर ये विपक्ष के नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो तमाम जो केसेस होते हैं वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि वो सांसद हैं और विशेषाधिकार समिति के सामने जब वो जाएंगे तो ईडी की कारगुजारियां और ईडी के टॉर्चर की दास्तानें वहां रखेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं विशेषाधिकार समिति के सामने इन ईडी के अधिकारियों को बुलाने के लिए आज ही ये सारे कागजात प्रस्तुत करूंगा कि ईडी के इन सारे अधिकारियों को बुलाया जाए, विशेषाधिकार संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने। मैंने जो मामला पार्लियामेंट में उठाया था उन आरोपों को ये सारे कागजात 100%, मैं तो कहूंगा 100% से ज्यादा सिद्ध करते हैं कि ईडी राजनीतिक दबाव में जबरन झूठा मामला बनाती है, सरकारों को बदनाम करती है, सरकारों के ऊपर झूठे आरोप लगाती है। शराब घोटाला जैसी कोई चीज, उसका कोई सिर पांव है ही नहीं। जिन लोगों के जबरन बयान लेकर ईडी ने ये सारे मामले बनाए हैं वो तो न्यायालय के सामने जाकर कह रहे हैं, हुजूर हमें तो मारा जा रहा है, हमारे तो कान के पर्दे फाड़ दिए जा रहे हैं, हमारे परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है और झूठे बयान लिए जा रहे हैं। आप ये बात कह सकते हैं दोस्तों कि संजय सिंह चूंकि आम आदमी पार्टी से हैं, उनके पार्टी के दो जो मंत्री या नेता हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, दोनों जेल में हैं, लिहाजा वो तमाम बातें बौखलाहट में कह रहे होंगे, ठीक है। मगर यहां तो प्रमाण पेश किए गए ना। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चंदन रेड्डी भ्रष्ट हैं नहीं हैं? जाहिर सी बात है फैसला अदालत करेगी, मगर क्या उन्हें इस कदर टॉर्चर किया जाएगा कि उनके कान के पर्दे फट जाएं, जैसा कि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है? क्योंकि ये रिपोर्ट इन्होंने अदालत में पेश की है। फिर से देखिए इस रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट को आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया है। मोदी सरकार ने हमारी जांच एजेंसीज को ब्लैकमेल और खौफ का जरिया बना दिया और इसके अलावा कुछ नहीं। ब्लैकमेल किया जाता है अधिकारियों को कि तुम राजनीतिक व्यक्तियों को नाम लो। खौफ का सबब जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है आपके सामने मिसाल है। ईडी को आखिर किसने अधिकार दिया कि वो इस तरह से लोगों को टॉर्चर कर सके? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एक वक्त आएगा जब जांच एजेंसीज जिस तरह की ज्यादतियां करती हैं उनके कामों की समीक्षा होगी, उन्हें कटघरे में रखा जाएगा।
संजय सिंह इसे ईडी का टॉर्चर चेंबर कह रहे हैं, गैस चेंबर कह रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले गैस चेंबर शब्द का इस्तेमाल कब हुआ था? जब यहूदियों को ट्रेनों में भर भर के हिटलर ने उन्हें ऑस्विच भेजा था। ऑस्विच में दोस्तों उन्हें टॉर्चर किया गया था, उन्हें कारखानों में भर के जहरीली गैस छोड़ दी गई थी और लाखों की तादाद में यहूदी यानी ज्यूज मारे गए थे। इस तरह से हिटलर उन्हें टॉर्चर किया करता था। संजय सिंह उसी गैस चेंबर का जिक्र कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो लोग विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए हैं या जो नौकरशाह हैं, उन्हें इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। मैं फिर उम्मीद करता हूं कि जांच एजेंसीज जिस तरह की ज्यादतियां करती हैं, उन्हें इसकी जवाबदेही, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।